अस्सलाम वालेकुम पीके बसिस से, मैं हूँ बिलाल। आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ एक होस्टेस का। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि होस्टेस की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, कितनी होती है, सैलरी क्या होती है और ये जॉब कैसी होती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अमारा गिलानी साहिबा, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा, मुझे पहले नंबर पे तो ये बता दें कि आप कब से ये जॉब कर रही हैं? तकरीबन 5 ईयर्स हो गए। कौन सी कंपनी में? पहले FM में थे, फैशन वर्ल्ड में, और अब मदीना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बस होस्टेस की ड्यूटी होती है ये कैसी ड्यूटी होती है, आसान होती है, मुश्किल होती है? देखा जाए तो आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए घर से निकल कर ये जॉब करना आसान तो नहीं है। कुछ सर्विस के लिहाज से पैसेंजर्स का बिहेवियर, कभी हर पैसेंजर को डील करना और चलती गाड़ी में सर्विस करना, हर लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस जॉब के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है, एक्सपीरियंस का होता है, क्या होता है? जी, एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है, लेकिन वैसे मैट्रिक बेस पे भी ले लेते हैं। किसी भी लड़की की मैट्रिक बेस तक अगर एजुकेशन है तो वो भी चल जाती है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है? ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे या खुद से ही सारा नहीं, कुछ हो? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग दी जाती है। जब भी कोई न्यू हम हॉस्टल हायर करते हैं, उसको बकायदा गाड़ी में ला के उसको ट्रेनिंग दी जाती है, हर लिहाज से, सर्विस, पैसेंजर का भी, पैसेंजर के साथ बिहेव कैसा यूज़ करना है, हर तरीके से उसको समझाया जाता है। कितने अरसे की होती है ट्रेनिंग? एक से दो ट्रिप का बताया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि इसमें क्या कोई सैलरी पैकेज फिक्स होता है या के कोई ट्रिप का हिसाब होता है? इसमें कई रूट्स में सैलरी पैकेज फिक्स भी होता है और कई डेली बेसिस में भी होते हैं, और मुख्तलिफ रूट्स के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। नॉर्मली एक होस्टेस जो है वो कितना अर्न कर लेती है मंथ का? 35-30 तक। अच्छा, और मंथली कितने ट्रिप हो जाते हैं? मंथली रूट्स के हिसाब से होते हैं, लॉन्ग रूट्स के 15 भी होते हैं और 30 तक चले जाते हैं। अच्छा, अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आपके मंथली कितने ट्रिप हो जाते हैं? मेरे इस टाइम में जहाँ पे जॉब कर रही हूँ उसमें तो मंथली 15 ट्रिप है, 15 चक्कर होते हैं, इसकी सैलरी 35-40 तक चली जाती है। अच्छा, इसमें होस्टेस की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनमें मेन क्या होता है? पैसेंजर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है? होस्टेस की जिम्मेदारी यही होती है, जब गाड़ी में आती है उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है तो बोर्डिंग के दौरान वाचर के लिहाज से पैसेंजरों को गाइड करना होता है। उसने वाचर के मुताबिक कूपन्स लेने होते हैं, पैसेंजरों की तादाद को पूरा करना होता है, उसके बाद उसकी सर्विस स्टार्ट होती है, टिकट्स लेनी होती हैं, उनको अपनी सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद जैसे ही हम सफ़र के लिए रवाना होते हैं, एक तो उन्हें अपने सफ़र के लिए मुतमईन भी किया जाता है, कई ऐसे मुसाफिर होते हैं, और उसके बाद सर्विस प्रोवाइड होती है, अपनी अनाउंसमेंट होती है, और डिस्पोजिबल्स, बॉक्सेस, हेडफोन्स देना, रिफ्रेशमेंट वगैरह क्लियर होती है।